तो आज है हमारे पे MG की ZACV जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो यार क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब नो वर्ड्स इसके लिए तो। और ये देखिए इसका पूरा ये लेदर है, पता नहीं यार ये हार्ड प्लास्टिक जैसा लग रहा है, लेदर तो नाम का। इसका मिरर है, ये इसकी सनरूफ वगैरह का ऑपरेशन है, इसका सनरूफ है। अभी गाड़ी पे मेरे पे चाबी नहीं है ना इग्निशन इसमें, तो अभी तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता है। स्टार्ट स्टॉप इसका चल नहीं रहा है। और ये इसका स्क्रीन है बहुत ही बढ़िया, ये देखिए सबसे बेस्ट इसके मोड्स हैं, बैटरी वगैरह। और ये इसका फ्रंट एसी वगैरह है। और इधर से हमारा कुछ बोनेट दिखता है जो कि खुल गया। और ये इसके MID है जो कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए लाइट जल गया, एक मिनट ये लाइट जल गया है। ये इसके यहाँ पे कंट्रोल से स्टेयरिंग के कॉल का है, और यहाँ पे इसके क्रूज कंट्रोल है जो कि आप देख पा रहे होंगे ये। और बाकी तो ऐसे ही है, और तो कुछ खास नहीं है इसमें। ये लॉक अनलॉक का बटन है इसका, और इसी इसकी मिरर फोल्डिंग है, चल नहीं रहे। और इधर एक सीट एडजस्टमेंट है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए सीट एडजस्ट हो रही है मेरी, आगे जा रही है। और ये इसका ऐसा कभी इसके ऐसे यहाँ पे इसके आर्मरेस्ट है, इसके लेदर सीट से जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इसकी मैं एक बार फ्रंट से और रियर से दोनों से लुक दिखा देता हूँ। भाई ये इसका रियर स्पेस है, यहाँ पे देखो कुछ चार्जिंग का दे रखा है, और ये हमारा USB चार्जर है। यहाँ पूरी लेदर फिनिश है, यहाँ पे भी आगे भी सेम है। और यार मतलब देखा जाए ना बैटरी कार के हिसाब से नेक्सन से कंपेयर करो तो अंडररेटेड है, लेकिन ये बेस्ट गाड़ी है। इसके रियर में ऐसा स्पेस है, ये इसकी ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। हेडरूम देखिए, और ऊपर का नेट देखिए मेश नेट, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से दिक्कत तो देगा थोड़ा, और बाकी तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है यार। और भाई आज तो भी यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन ये थी हमारी MG की ZACV जो बाहर से देखिए बॉडी से कम नहीं लग रही है ये। और कैसे लगे आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।